दोस्तों, बिग बॉस 16 के घर से एविक्ट होकर के अब्दू रोजिक बाहर आ चुके हैं और आते ही कुछ बड़े खुलासे कंटेस्टेंट को लेकर के करते हुए नजर आए हैं। क्यों यहाँ पे सिर्फ सुम्बुल को रियल बताया है, क्यों शिव का दिल को अच्छा बताया, बाकी लोग किस तरह से यूज कर रहे हैं एक दूसरे का, वो कहा है, बताता हूँ पूरी खबर। दोस्तों, अगर आप भी सुम्बुल के फैन हैं, उनको पसंद करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमें मालूम चल सके कितने सुम्बुल के फैंस जो उनको सपोर्ट करते हैं, ढेर से आप प्यार करते हैं। वरना लगता है दोस्तों ज्यादा हेटर्स वीडियो देख रहे हैं, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप भी अब्दू को पसंद करते हैं और उनको मिस करेंगे दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। चलिए बात कर लेते हैं घर के अंदर से। जब बाहर आए हैं अब्दू रोजिक, क्या कुछ उन्होंने बड़ी बातें की हैं कंटेस्टेंट को लेकर के, और यहाँ पे कुछ बड़े खुलासे घर वालों को लेकर के किए हैं। दोस्तों, जब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा प्लान बनाया हुआ था क्या, आपका क्या ऐसा कारण था जिसके वजह से आपको मिड शो में बाहर आना पड़ा, जिस पे उन्होंने ये बात कहा कि मेरे लिए कुछ मेरे प्रायर कमिटमेंट थे, मेरे म्यूजिक सूट वगैरह थे उनके, और उनके इस वजह से उनको जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे कमिटमेंट 15 जैन का ही दिया गया था, बट क्योंकि सीजन को एक्सटेंड कर दिया गया तो वो मेरे लिए मैच नहीं करता, और इसके वजह से उनके मैनेजर ने भी ये उनको एडवाइस की कि उनको अभी घर से बाहर हो जाना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू करने से अच्छा है कि अभी बाहर आ जाए, और वही यहाँ पे वो करते हुए नजर आए। इसके वजह से अब्दू रोजिक बाहर आए थे और ये बात उन्होंने बताई। सामने उनसे जब पूछा गया कि आपके निकलने के बाद सभी घर वाले बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे, आप किनको किनको मिस करने वाले हैं, तो उन्होंने बोला मैं ऑलमोस्ट बिग बॉस के सभी कंटेस्टेंट को मिस करूंगा, बट मैं सबसे ज्यादा मिस करूंगा शिव ब्रो को, सुम्बुल को, और उन्होंने बताया वहां पे निमृत, साजिद और एम सिस्टेन को तो मैं मिस करूंगा ही करूंगा। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जब उनसे पूछा गया कि आपके हिसाब से घर के अंदर कौन सा कंटेस्टेंट ऐसा है जो रियल लग रहा है आपको और कौन ज्यादा फेक लग रहा है, जहाँ पे दोस्तों सरप्राइजिंगली उन्होंने सबसे पहला नाम जिनका लिया वो सुम्बुल का नाम लिया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बोला कि सुम्बुल घर के अंदर एक ऐसी कंटेस्टेंट है जो बहुत ही ज्यादा रियल है और सबसे ज्यादा अंडरडॉग के कैटेगरी में आती है, यानी कि उनको इतना लोग नोटिस नहीं करते हैं जितना वो रियल है घर के अंदर। उन्होंने बोला कि मैंने उनको कई बार देखा है, मैंने कुछ चीजों के लिए ये भी उनको सॉरी भी बोला, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने उनको गलत तरह से जज कर लिया था कि वो काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी देख करके वो बिहेव करती है, अपना जिस तरह से उनको रिलेशन रखना होता है वो अपॉर्चुनिटी देखती है, वोट देखती है, बट ऐसा नहीं है, मैंने पूरी तरह से उनको गलत जज कर दिया था स्टार्टिंग में कुछ एक दो दिन में, और वहां पे मेरी बात कुछ और लोगों से भी होने लगी थी घर के अंदर, इसके वजह से मेरे लिए गलत चीजें फीड होने लगी थी जब गौतम वगैरह सभी थे घर के अंदर। लेकिन मुझे लगता है कि सुम्बुल एक ऐसी कंटेस्टेंट जो बहुत ज्यादा रियल है, और एक अच्छा दोस्त कैसे बन सकते हैं रियल रह करके, वो आप सुम्बुल से सीख सकते हो। शिव के बारे में उन्होंने कहा कि मुझे शिव का दिल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और जो भी उनके रिलेशन बनते हैं घर के अंदर वो उसको बखूबी निभाने के लिए एकदम हमेशा ही तैयार रहते हैं, और उन्होंने करके भी दिखाया है, चाहे वो सुम्बुल के साथ उनका रिलेशन हो, साजिद सर के साथ उनका रिलेशन हो, या फिर मेरे साथ, एमसी स्टैन के साथ, या फिर निमृत के साथ, उन्होंने सबके साथ निभाया है। जब उनकी दोस्ती सालिन से भी थी तब भी वो निभा रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बात कह रखा था कि ये आपको धोखा देगा, सबको धोखा देगा, और वही उन्होंने किया भी था आने वाले टास्क के दौरान। उनकी गेम प्रेडिक्शन बहुत अच्छी है और वो इस चीज में बहुत ज्यादा माहिर है, उन्होंने ये भी कहा। प्रियंका के बारे में उन्होंने कहा कि प्रियंका बहुत ज्यादा कभी कभी इरिटेटिंग लगती है, बट अगर ओवरऑल देखूं तो वो भी इतनी ज़्यादा ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा बुरे दिल की सोच की है, ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आता है, वो ठीक है और एक विनर क्वालिटी है उनके अंदर, बट मैं वो जीतेगी नहीं, मैं चाहता हूँ कि शिव जीते, उन्होंने ये चीज़ बोला। और उन्होंने बोला कि अगर मेरे टीम, यानी कि उन्होंने डायरेक्ट इशारा किया कि सुम्बुल, शिव, ये सभी लोग जीतेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि शिव पे बहुत बड़ा ऐसा इल्ज़ाम लगता है कि वो यूज़ करते हैं, बट वो किसी को भी यूज़ नहीं करते हैं, ये पूरा का पूरा इल्ज़ाम उन पर जो लगाया जाता है वो गलत लगता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एम सिस्टेंट पर कहा उन्होंने, वो बहुत अच्छे और बहुत जेन्युइन कंडीशन। दोस्तों आपको क्या कहना है?